आइए उसी जगह गौर कर रहे हैं कथा की तरफ। प्रसंग चल रहा था, रुक्मणी जहाँ रो रही थी, एक समाध पंडित जी सामने पहुंच गए। कहा तुझे तो खुश होना चाहिए, तो रोके रही है। रुक्मणी बोली, पंडित जी ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है, हम खत लेकर आए, ये खत भगवान कन्हैया को दे देना जाकर के। पंडित जी वो खत लेकर के चले, थोड़ी दूर निकल पाए, रास्ते में सोचा हम आराम कर रहे हैं उसके बाद चलेंगे। आराम करते करते पंडित जी जो थे गहरी नींद में सो गए। द्वारिका में भगवान ने देखा, सोचा बाहरे पंडित जी तुम तो हमारा खत ला रहे थे, तुम रास्ते में सो गए, अब मेरा खत कौन लाएगा। योग माया से कह करके पंडित जी को द्वारिका में उठवा लिया। बोले इतनी बड़ी कृपा, मैं तो सोते ही सोते द्वारका में आ गया। पंडित जी बलराम से बोले, कहा ये बता तुम्हें से कन्हैया कौन है। बलराम ने इशारा कर दिया, उधर बैठे चले जा। पंडित जी भगवान कन्हैया के सामने पहुंचे। बोले प्रभु, इस वक्त लड़की रुक्मणी तुम्हारे साथ में शादी करना चाहती है, उसका भाई जबरदस्ती शादी अपने साले के साथ में कर रहा है, अब शादी कीजिए। भगवान बोले, मेरे बलराम भैया मुझे कहीं जाने नहीं देते, एक उपाय है। क्या? का तुम चाहता नहीं, थोड़ी दूर चलना, खासना हो बैठ जाना। पंडित जी बोले ठीक है। पंडित जी चले, खां से हो बैठ गए, थोड़ी दूर चले, फिर खां से फिर बैठ गए। बलराम बोले, कहो पंडित जी क्या बात है। भगवान बोले, भैया इनके ऊपर बुढ़ापा है और बुढ़ापे में पैदल नहीं चला जाता, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो हम रथ पर बैठाल करके थोड़ी दूर तक छोड़ दे। बलराम बोले छोड़े आप। अब भगवान का नैया पंडित जी को रथ पर बैठाल करके चले, पहुंच गए कुंदनपुर में। गांव से बाहर एक मंदिर था, भाई व्रत खड़ा कर लिया। कहा रुक्मणी को यहीं पे भेज देना, यहीं से ब्याह हो, कौनो का हो तो हम सब कर ले। और पंडित जी रुक्मणी के सामने पहुंचे, का मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रुक्मणी चलने के लिए तैयार हुई। पंडित जी बोले, रुको बहुत तेजी से भूख लगी है, पहले मुझे भोजन खिलाना। तो रुक्मणी बोली, माफ करना पंडित जी, आज हम भोजन नहीं खिलाएंगे। क्या? हाँ कारण है। अरे भोजन तो मैं बनाया पंडित, और देना गाड़ी है मैं जो चाहते भोजन बनाया, देर हो जाएगी, इंतजार करते करते भगवान कन्हैया चले जाएगा।